Good morning students. Today we are going to do quiz of lesson number 7, experiments with water. MCQs are there with the answers, multiple choice questions with answers. You can test yourself from your class 5 EVS, from your NCERT book, that is you are looking around. The first question is, steel plate will blank in water. जो steel plate होती है वो वाटर के अंदर फ्लाई करेगी, सिंक, मूव, फ्लोट, क्या करती है? आंसर इज फ्लोट. सेकेंड वन इज, प्लास्टिक बोतल कैप विल ब्लैंक इन वाटर, सिंक, फ्लोट, मूव और फ्लाई. जो प्लास्टिक बोतल कैप होती है वो पानी के अंदर क्या करेगी? दैट इज आंसर इज फ्लोट. प्लास्टिक बोतल कैप विल फ्लोट इन वाटर. नेक्स्ट वन इज, The saltiest of all the seas is, सबसे ज़्यादा salty sea कौन सा है? सारे समुद्रों में सबसे ज़्यादा नमकीन समुद्र कौन सा है? Dead Sea, Arabian Sea, Red Sea, Caspian Sea. Answer is Dead Sea. Question number 4, blank dissolves in water. आपको 4 options दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ पानी में dissolve हो जाती है. Sand, chalk powder, शुगर या पेबल्स. आंसर इज शुगर. चीनी पानी के अंदर घुल जाती है और चीज़ें पानी के अंदर घुलती नहीं. क्वेश्चन नंबर 5, थिंग दैट इज मेड बाय ड्राइंग इन द सन. आपको ये बताना है इनमें से कौन सी चीज सन में सुखाने से सूख जाती है. आपको वो चीज़ चूज करनी है जो सन ड्राइंग से बनती है. इनमें से पापड़, पूरी, पकोड़ा और समोसा. You have to choose out of these. That is answer is, your answer is पापड़. पापड़ को धूप में सुखाकर बनाया जाता है. Next is, when water is kept boiling for a long time, it blank. जब हम पानी को बॉयल करते जाएं बहुत देर तक बॉयल करते जाएं तो क्या होगा? Increase बढ़ जाएगा, rise जो भी कंटेनर उसमें बढ़ जाएगा, decrease हो जाएगा, remain same. Of course पानी को हम बॉयल करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि वो उड़ता जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा वाटर. नेक्स्ट वन इज, वाई डिड चित्ती बाबू कीप मैंगो जेली इन द सन फॉर. हम जो जेली बनाते हैं उसको हम धूप में रख देते हैं, किस लिए? कुकिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, बेकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए, ऑफ कोर्स ड्राइंग के लिए, सन ड्राइंग के लिए. आयरन नेल ब्लैंक इन वाटर. जो कील होता है आयरन का वो पानी के अंदर क्या करेगा? फ्लोट्स, सिंक्स, फ्लाइज और मूव्स. वो क्या करेगा? डूब जाएगा, सिंक करेगा. नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड दांडी मार्च. दांडी मार्च को किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी. पिक्चर देख के आपको आंसर पता ही लग गया होगा. आंसर इज महात्मा गांधी. ऑयल विल ब्लैंक इन वाटर. क्या ऑयल जो होता है पानी के अंदर मिक्स होता है या नहीं होता है? डिजोल्व होगा, मिक्स होगा, फ्लोट करेगा, सिंक करेगा. आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है जो ऑयल की जो लेयर होती है वो ऊपर अलग से लेयर बन जाती है. तो आंसर क्या रहेगा? ऑयल विल फ्लोट इन वाटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एवरीवन.